हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट्स, और इसके साथ ही हम लोग इसी की मदद से डिफिनीशन ऑफ एम्पियर भी करेंगे। याद है आप लोग को, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग करंट का डिफिनीशन जो दिए थे उसमें यूनिट लिखे थे एम्पियर। एक्चुअली वो डिफिनीशन नहीं है, एक्चुअल एम्पियर का डिफिनीशन यहाँ से मिलता है। और उस समय मैं उसमें बताया हूँगा कि जो एम्पियर का डिफिनीशन के लिए जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ने लगेंगे तब एक्चुअली एम्पियर का डिफिनीशन आएगा। ठीक है, जो हो। अब एक चीज पहले जान जाइए, हम लोगों ने एक टॉपिक पहले दिखाया है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देते हैं तो इस पर फोर्स लगने लगता है। ये टॉपिक हम लोग पहले ही डील कर दिए हैं, वही वाला अभी यहाँ हम यूज करेंगे। और दूसरा चीज क्या यूज करेंगे, तो एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला। देखिए, मान लीजिए करंट जा रहा है इधर, इस मतलब जो मान लीजिए ये वायर है, करंट इधर जा रहा है, तो उधर स्क्रू जाने के लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा तब स्क्रू जाएगा। ऐसे करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमको क्लॉकवाइज देना है, और उधर से करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटी क्लॉकवाइज होगा। यही कॉन्सेप्ट लगा के इसको हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मान लीजिए ए और बी दो बहुत लंबा मतलब जो स्ट्रेट वायर है, जो पतली है, ज्यादा मोटी नहीं समझिए, पतली है, और ए में आई ए करंट जा रहा है, बी कंडक्टर में आई बी या कंडक्टर या तार जो भी आप कहिए, बी कंडक्टर में आई बी जा रहा है, और दोनों के बीच का सेपरेशन है डी। सेपरेशन मतलब दोनों पैरेलल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू, यानी वही सेपरेशन हुआ डी। अच्छा, तो इसमें करंट जा रहा है आई ए, इसमें करंट जा रहा है आई बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है डी। हम लोग जो है खाली एल लेंथ पर, ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हम लोग सिर्फ एल लेंथ पर निकालेंगे फोर्स की कितना होता है एल लेंथ पर, दोनों के एल लेंथ पर एक ही जगह निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, इसका और इसका इस तरह का हमने क्रॉस सेक्शन बना के ठीक ढंग से समझाने का कोशिश किया है। देखिए, आई ए करंट मान लीजिए पेज के अंदर जा रहा है, और ई भी आई भी करंट भी पेज के अंदर जा रहा है, दोनों के बीच डिस्टेंस यानी सेपरेशन डी है। जब दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में बहता हो तो उसको कहेंगे पैरेलल करंट्स, और जब दोनों विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, मान लीजिए ए अंदर जाता है पेज का और बी बाहर आता है, तो उसी को कहते हैं हम एंटी पैरेलल करंट्स। ओके, मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। अब ये कंडक्टर का लीजिए, इसमें तो अभी पहले पैरेलल करंट्स के कारण फोर्स आप देखिए, एफ बी ए वेक्टर लीजिए और एफ ए बी वहां भी दिखाया गया है, यहां से सब समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। हाँ, देखिए दोनों का क्रॉस सेक्शन लिए। हाँ, अब इसमें अगर आई ए करंट जाता है
तो डी डिस्टेंस पर जो ये दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर भी पड़ा हुआ है उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आप निकाल सकते हैं एम्पियर्स लॉ से। एम्पियर्स लॉ से कि आई ए करंट जाता है तो डी डिस्टेंस पर यानी इस करंट कंडक्टर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एम्पियर्स लॉ लगाइएगा तो देखिए ये आई ए करंट के कारण हुआ इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो यहां होगा उसको मैंने बी ए लिखा है यानी आई ए करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी ए होगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे तो इसको देखिए इस सेंटर में लेके स्क्रू घुमाइए तो कहने का मतलब ऐसे आएगा सर्किल दीजिए उतना ही डी डी रेडियस का क्लॉकवाइज यानी इस पॉइंट पर इस कंडक्टर पर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर मैं समझता हूं एकदम क्लियर है। करंट अंदर जा रहा है डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तो कहने का मतलब सर्कुलर होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो डायरेक्शन क्या होगा तो यहां पर जो है नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण इस कंडक्टर पर नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि इतना ही डी डिस्टेंस से मान लीजिए इधर भी शुरू हुआ देखिए क्लॉकवाइज यानी इधर टेंजेंट डालिएगा फील्ड लाइंस पर तो नीचे की ओर रहेगा इसलिए बी ए मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा नीचे की ओर और बी ए का वैल्यू आप एम्पियर्स लॉ से निकालिए। एम्पियर्स लॉ क्या है म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर तो म्यू नॉट आई ए होगा क्योंकि इस करंट के कारण निकाल रहे हैं बाय टू पाई ये डिस्टेंस ही आर हुआ क्योंकि देखिए इस सेंटर में लीजिएगा तो सर्किल ऐसे होगा ना इसलिए वो डी स्मॉल डी ही आर होगा तो इसलिए टू पाई डी और मैंने देखिए डायरेक्शन दिखा दिया है कि वो डाउनवर्ड होगा कौन चीज मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। इसी तरह से आप इसके कारण इस करंट के कारण इस कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा तो इसको सेंटर में लेके रखिए और डी रेडियस का जैसे ही ये भी तो क्लॉकवाइज है कहने का मतलब बोर्ड या पेज के अंदर जाता है देखिए ऐसे ही फील्ड लाइंस होगा ऐसे ही ऑर्डर में यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा इस करंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा और इस आई वी करंट के कारण इस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की होगा जिसको हम बी वी कहे हैं यानी आई वी करंट के कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके अब आइए आपने निकाल लिया अब फोर्स निकालिए मान लीजिए इस कंडक्टर पर पहले फोर्स निकालिए हे इस कंडक्टर पर तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे मैग्नेटिक फील्ड नीचे देखिए है ना नीचे आ करंट या डीएल लेंथ पेज के या बोर्ड के अंदर में तो फोर्स क्या होता है आई एल क्रॉस बी और L का डायरेक्शन I का ही डायरेक्शन बोर्ड के अंदर में जा रहा है तो L भी यही डायरेक्शन में समझिए L का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आई एल क्रॉस B यानी ये स्क्रू जाएगा उधर यानी ऐसे करके रखिएगा तो स्क्रू उधर जाएगा। तो आपने देखा कि ये कंडक्टर पर जो फोर्स एफ बी ए लगेगा वह एक कंडक्टर के साइड में लगेगा और उसका कैलकुलेशन क्या होता है देखिए वेक्टर फॉर्म में हम लोग जो पढ़े हैं आई बी ए क्यों लिखते हैं बी ए तो आप
कोलम्स लॉ बताए हैं कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसीलिए एफ बी ए। तो एफ बी ए क्या होगा, तो जो करंट बह रहा है और जितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी ए है, करंट आई भी बह रहा है, इसलिए आई बी एल, एल एल लेंथ हम लोग लिए हैं, एल लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, एल क्रॉस बी ए। और एल और एटीए इसका अब मैग्नीट्यूड निकालिए, तो एफ बी ए वेक्टर हटा दीजिए, तो आई बी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, एल बी ए साइन कितना 90 डिग्री, क्यों भाई, तो एल जो है वो जा रहा है पेज के अंदर में, अब बी ए है डाउनवर्ड, एल जा रहा है पेज के अंदर में, अब बी ए है डाउनवर्ड, देख लीजिए 90 डिग्री। तो कहने का मतलब वहां हमको लिखना पड़ेगा साइन 90, यानी फोर्स का वैल्यू जो इस पर होगा ड्यू टू इसके मैग्नेटिक फील्ड वह होगा आई बी एल बी ए, आई बी एल बी ए तो वन हो गया। अब बी ए का वैल्यू जो आप निकाले हैं एम्पियर्स लॉ से वो डाल दीजिए, डाल आई बी एल, अब बी ए का वहां से डालिए, डाल करके दोनों को मिलाइए, हो जाएगा म्यू नॉट आई ए आई बी एल डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, मान लीजिए ये इक्वेशन 3। इसी तरह से इस पर जब फोर्स जैसे एनालिसिस किया गया यहां, उसी तरह से इसका भी मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, एल इसका भी अंदर है, एल अंदर, अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ऊपर मैग्ने एल अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर 90 डिग्री है, देखिए ऐसे मैं कर रहा हूं, एल अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फोर्स निकालने के लिए एल क्रॉस भी करना पड़ता है, तो एल पकड़ के बी की ओर घुमाइए, है स्क्रू आ रहा है इधर, यानी फोर्स इधर। तो कहने का मतलब इसी तरह एनालिसिस कीजिएगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा इधर, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसको फोर्स लगेगा इधर, दोनों फोर्स आपको इक्वल होगा, यही म्यू नॉट आई ए आई बी एल बाय 2 पाई डी, यही होगा फोर्स दोनों, क्योंकि वो भी निकाल के तो आपको दिखा दिए हैं कि एफ ए बी, ए पर जो बी के मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा तो वो होगा आई ए एल क्रॉस बी बी, यानी आई ए एल बी बी साइन 90। उसी तरह से इसलिए एफ ए बी बराबर आई ए एल बी बी, अब बी बी का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, डाल दिए फिर उतना ही हो गया, देखिए ना म्यू नॉट आई ए आई बी एल बाई 2 पाई डी। इक्वेशन नंबर 4, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो है अपोजिट है, कहने का मतलब फोर्स एट्रैक्टिव है, दो 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 ये वायर में एक ही डायरेक्शन में अगर करंट बहे तो दोनों एक दूसरे का अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, दोनों अट्रैक्ट करेगा, और अगर एंटी पैरेलल करंट आप लेते हैं और इसी तरह से एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल एनालिसिस इस तरह होगा, तो देखिए एक करंट जा रहा है दूसरा करंट आ रहा है, एंटी पैरेलल हो गया तो उसमें रिपल्सिव फोर्स होगा, फोर्स होगा रिपल्सिव, यानी उस समय आप कैसे फोर्स लगाइएगा, मान लीजिए एफ ए बी इधर लगाइए, सॉरी एफ बी ए ऐसा नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में, और एफ ए बी इस डायरेक्शन, यानी रिपेल करेगा
जब इसमें करंट अंदर जाए और इसमें करंट बाहर आए, माने इसमें अंदर इसमें बाहर, यानी एंटी पैरेलल, तब क्या होगा, रिपल्सिव होगा और सेम डायरेक्शन में बहेगा तो अट्रैक्टिव होगा। इसीलिए यहाँ अट्रैक्टिव पैरेलल करंट्स फोर्स अट्रैक्टिव और एंटी पैरेलल करंट्स फोर्स रिपल्सिव मैंने किया है। और उस फोर्स का वैल्यू कितना है, तो यही वैल्यू है, देख लीजिए सेम वैल्यू, खाली डायरेक्शन चेंज करता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव बनाता है। अच्छा रुक जाइए, अब ये डिफिनीशन ऑफ एम्पियर कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा से ये समझिए, कुछ इसमें नहीं है। देखिए दोनों फोर्स बराबर है, एफ बी ए यानी फोर्स ऑन कंडक्टर बी ड्यू टू करंट इन ए, एफ बी ए इज इक्वल टू एफ बी, क्योंकि दोनों तो देखिए बराबर है। इसलिए हम क्या करते हैं, तो एफ बी ए बराबर एफ ए बी इक्वल टू, मान लीजिए एफ इक्वल टू कोई लिख दीजिए एक, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए डी एक मीटर कर दीजिए, मान लीजिए आप डी एक मीटर पर दोनों को रखिए, करंट वाला वायर को, स्ट्रीट वायर को, और दोनों में बराबर करंट सपोज कि आई बहता है, मान आई ए इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई इक्वल टू वन एम्पियर, यानी आप एक एम्पियर करंट मान लीजिए बहाते हैं, बहाइए नहीं, अभी तो एम्पियर का पते नहीं है, मान लीजिए एक एम्पियर का करंट अगर दोनों में बहाया जाता है, चाहे पैरेलल या एंटी पैरेलल उससे कोई मतलब नहीं, दोनों में बराबर करंट मान लीजिए कि एक एम्पियर का बहाया जाता है, तब क्या होता है, तो इसमें देखिए तो एफ आई एल को इधर कर दीजिए तो डिवाइड में चला जाएगा, तो एफ बाय एल यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना निकलता है वो निकालिए, तो ये हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई ए को भी हम वन माने हैं एम्पियर, आई बी को भी वन एम्पियर, और एल तो उधर कर ही दिए, टू पाई डी को भी हम वन मीटर माने हैं, वन देखिए उसको भर दिए, म्यू नॉट आई ए आई बी टू पाई डी वन वन कर दिए सबको। तब क्या वैल्यू होता है, म्यू नॉट बटे टू पाई, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, फोर पाई गुना टेन टू पावर माइनस सेवन डिवाइडेड बाय टू पाई, टू पाई में फोर पाई कट के टू इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर, एफ बाय एल है, इसीलिए आंख मूंद के लिखिए न्यूटन पर मीटर। यानी जब हम करंट एक एक एम्पियर माना कि देते हैं, तब एक मीटर लेंथ पर वायर का फोर्स टू गुना टेन टू दी पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर फोर्स आता है। इसका मतलब है कि अगर अब ऐसे डिफिनेशन उलट दीजिए बात को, कि दो वायर हो करके वह बराबर करंट, जो दोनों वायर अगर स्ट्रेट वायर अगर एक मीटर पर रखा हुआ हो, तो दोनों अगर एक दूसरे पर टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन न्यूटन का फोर्स डालता है, इसका मतलब दोनों वायर में वन एम्पियर, उस समय जो करंट बहेगा वही वन एम्पियर करंट है, इसलिए उसको मैंने लैंग्वेज में यहां लिखा है। ये जब आया एफ बाय एल इजिकल टू ये, हम पहले ही वन एम्पियर मान लिए, तब आता है ई, तो इसका मन ऐसा हो तो करंट वन एम्पियर है, इसलिए ऐसा लिखते हैं, दस द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट एसटीडी करंट व्हिच व्हेन पास्ड थ्रू टू पैरेलल स्ट्रीट कंडक्टर्स प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ वन मीटर वुड एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ 2 इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर ऑन ईच अदर इन वैक्यूम,
मतलब बात वही जो कहे थे कि वैक्यूम में अगर एक मीटर पर दो पैरेलल कंडक्टर को एक एक एम्पियर का अगर आप करंट बहा दें तो वो इतना फोर्स डालता है 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, यानी इतना फोर्स अगर डालता है तो जो करंट बहता है वो 1 एम्पियर है। यही हुआ एम्पियर का डिफिनीशन। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पसंद है तो आप लाइक कर देंगे, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजाइएगा ताकि आपके पास वीडियो जाता रहेगा, स्टडी चलता रहेगा। दूसरे को भी मदद करना है तो आप उसको ज़रूर व्हाट्सअप या फेसबुक वगैरह जो आपका अथी है उससे आप भेज दीजिए ताकि उनका भी स्टडी चलता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।